हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपी टेट की सीरीज उड़ान बैच को पढ़ रहे हैं। तो उड़ान बैच में हम लोग अभी तक आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं, जिसमें अब आपका करंट अफेयर भी शुरू हो गया है। इंग्लिश तो आपकी चल ही रही है मेरे दोस्तों, इंग्लिश का वोकैब सेशन चल रहा है, जल्द ही ग्रामर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सीडीपी भी मिल रही है और ईबीएस भी। अब दोस्तों, बात बची हिंदी की, तो हिंदी का क्लास हम लोग लाइव करवाएंगे और जल्द ही हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट टीचिंग एग्जाम का सारा मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको यूपी टेट प्राइमरी में 30 में 30 मैथ में दिलवाऊंगा, और हम लोग जूनियर का भी टेट का स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको मैथ्स जूनियर लेवल की भी पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो दोस्तों जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, और कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं लगेंगे। बात समझ लीजिए, देखिए जिसके पास धैर्य नहीं है उसका सिलेक्शन भी नहीं है। सिलेक्शन कोई इंस्टीट्यूट नहीं कराता है, कोई टीचर नहीं कराता है, आपका सिलेक्शन आप खुद हैं। अगर आपके अंदर सिलेक्शन लेने का जुनून है तो फ्री में इतना मटेरियल पढ़ा है ना मेरे भाई, आप पढ़ सकते हैं। कोई ये कह दे कि अरे ये टीचर मुझे फ्री में नहीं पढ़ाता, ये पढ़ा दे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर मतलब इतना मटेरियल फ्री में अवेलेबल है कि अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। वास्तव तो ये है कि आप उस कंटेंट की कीमत को समझें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं, और आज की हमारी क्लास है परसेंटेज। आज हम लोग यूपी टेट में जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है प्रतिशत। तो प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पहले ही प्रतिशत पढ़ा चुका हूं, एक अच्छे लेवल की, जिसमें आपका सीजीएल में प्री लेवल तक का मैंने आपको पढ़ा दिया था, इवन मेंस का भी लेवल उसमें कवर करा है, तो वो जूनियर के पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम लोग केवल प्राइमरी को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे बिल्कुल दोस्तों। अब देखिए, बात कर रहे हैं प्रतिशत की। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और मेरे भाई सत। प्रति का मतलब होता है भाग या प्रत्येक, सत का मतलब क्या होता है? 100। अगर अब हम इसको जोड़ के एक परिभाषा बनाए तो हम कहेंगे 100 का भाग ही प्रतिशत है। मतलब कोई संख्या 100 का कितना भाग है वही प्रतिशत है, कोई संख्या 100 का कितना भाग है वही प्रतिशत है मेरे भाई। तो प्रतिशत की एक चीज समझ में आई कि प्रतिशत क्या है? 100 का भाग है। इट मींस व्हाट? कि ऊपर कोई भी नंबर नीचे लिखा हो सकता है, नीचे हमेशा 100 लिखा होगा। और अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है, ऊपर मान लो पी लिखा है, नीचे 100 लिखा है, तो इसे हम लोग भिन्न बोलते हैं मेरे भाई। अभिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, ये बात आपको पता होगी। नहीं पता है जिन मेरे दोस्तों को, उनको अब पता चल गई कि भिन्न में एक ऊपर अंश और नीचे हर होता है। तो प्रतिशत का हर हमेशा 100 होगा, ये बात आप याद रख लें। प्रतिशत का डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, क्लियर है बात? तो हमें 100 के टुकड़े, जितने टुकड़े होंगे, जैसे मैं आपसे कहूं 20%, तो इसका मतलब क्या है कि 100 का 20 जो है, 100 का 20वां भाग 20% है, 100 का 20वां भाग 20% है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक बात आई होप आपके समझ आ रही होगी, अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आगे के कंसेप्ट को समझते हैं हम, और हम एक बात यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, आप याद रखेंगे, काम आएगा। कोई भी चीज या वस्तु
हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज हमेशा 100% होती है। इस दुनिया में हर कोई 100% है दोस्तों। मैं पढ़ा रहा हूं 100% पढ़ा रहा हूं, कोई और टीचर पढ़ाएगा वो भी 100% पढ़ाएगा। बट अगर मैं कंपेयर करूं तो परसेंटेज चेंज होगी। परसेंटेज हमेशा चेंज होती है कंपैरिजन में। अदरवाइज कोई भी चीज दुनिया में हमेशा 100% होती है। इज दैट क्लियर? ये बात आपके समझ आती है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या बताया, कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें 10% निकालना है तो करना क्या है, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। जैसा कि 200 का 10%, तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 का 10% अगर निकालना है तो हमने लिखा 200 और पीछे से एक संख्या के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये एक संख्या होगी, इसके बाद लगा दो दशमलव, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। मेरे संग रिपीट करिए मेरे भाई कि 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। जब तक रिपीट नहीं करेंगे, जब तक मन से नहीं पढ़ेंगे, कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद का सिलेक्शन निश्चय करेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते सिलेक्शन तो कोई भी नहीं करा सकता, क्योंकि पढ़ना अल्टीमेटली आपको ही है और कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो 200 का 10% हमें निकालना है तो पीछे से गिनके एक के बाद दशमलव लगाते हैं। यहां तक आई होप क्लियर होगा मेरे भाई। अब मैं इसको रफ करता हूं, आगे की बात आपको समझाता हूं। आगे की बात यह है कि अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या करो मेरे भाई, दशमलव लगाते हैं। अगर 1% निकालना है तो पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगाओ। 10% निकालना तो 1 के बाद, और अगर 1% निकालना है तो 2 के बाद। जैसे कि मेरे भाई 300 का 1%, तो आप क्या कहोगे, 3 और 2 0 100, 300। अब 2 संख्या गिन लो, 1 और 2, यहां दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 3%। ठीक है, 3 हो जाएगा। 300 का 1% कितना होगा, 3 होगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है आपके, हाँ कि ना? आगे की बात को करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो ये है कि अगर 0.5% निकालना है तो क्या करना है, 1% को निकाल कर 2 से भाग दे 2। जैसे 300 का 0.5%, तो मैं कहूंगा 300 का, आपको बताया पीछे से 2 जीरो गिन के हटा दो, दशमलव लगा दो 3, और इसे 2 से भाग दे 2, तो आ गया 1.5। 1.5 300 का 0.5% होगा। 1.5 300 का 0.5% होगा। 1.5 300 का 0.5% होगा। यहां तक बात समझ आती है? क्लियर होता है ना मेरे भाई? अब आप देखो कि अगर आपको निकालना है, एक लास्ट बात आपको और याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर
5% निकालना है तो 10% निकालकर 2 से भाग दे दो। जैसे 200 का 5%, तो मेरे भाई 200 का 10% होगा 20 और 2 से भाग दे दो आ गया 10। ये हो गया इसका 5%। 200 का 5% कितना हुआ 10। क्लियर होती है बात? एक एक स्टेप को सीखो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज समझा रहा हूं। कोई भी ऐसा नहीं एकदम से आके कोई जादू दिखा दूंगा। देखो भाई, कोई अगर आपको जादू दिखा रहा है तो एक बात याद रख लेना, वो कुछ कुछ ही क्वेश्चंस पे लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें धैर्य होता है। ये बात याद रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनमें धैर्य होता है। जब आप हमारी 20 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे धैर्य से, तो आप सिलेक्शन ले लेंगे हमारी का मतलब किसी भी यूट्यूब में टीचर की। अगर आप 20 से 25 मिनट की वीडियो स्किप करके देख रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपके अंदर धैर्य नहीं है, और धैर्य नहीं है तो सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे। बात याद रखिएगा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की बात समझते हैं। प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लिखा, 24 का 60%। देखो 24 का 60%, 24 60 का कितना प्रतिशत है? 24 60 का, तो 24 बटा 60। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई। यहां से काटोगे तो 3, और यहां से आया 5, और इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा मेरे भाई यहां पे, और 8 5 40। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? तो बस इतना समझाना चाहता हूं आपको मेरे भाई कि प्रतिशत निकालते टाइम 100 से गुणा करते हैं। इज दैट क्लियर? प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग दिया जाता है। अगर प्रतिशत दिया हो, जैसे लिखा है 90 का 30%, तो 90 × 30% हटाओगे नीचे आएगा 100, 0 से 0 काट दिया, 9 × 3 = 27। तो ये बात आपको हम समझाना चाह रहे थे, प्रतिशत निकालते समय 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ज्ञात करते समय आप प्रतिशत अगर दिया है तो हटाते समय 100 से भाग करते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के आप रट लेंगे, पे और से हमेशा नीचे आता है, के पे से हमेशा नीचे आता है, के पे से हमेशा नीचे आता है। इज दैट क्लियर? के पे से हमेशा नीचे आता है, तो मेरे भाई ये बात तो रट लो बिल्कुल, कि के अगर लिखा है, पे लिखा है, से लिखा है, नीचे आएगा तो के का की भी होगा, पे का पी भी होगा, से का सी, मतलब का पा सा जहां पे भी होगा हमेशा नीचे आता है। इज दैट क्लियर? समझ आती है ना यहां तक? चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे मेरे भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत होगा? किसका 120 का? किसका 120 का? तो 120 आ गया नीचे, कौन 24, कितने प्रतिशत होगा? प्रतिशत निकालते समय 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। प्रतिशत निकालते समय, प्रतिशत ज्ञात करते समय 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 काटा, 12 × 24, तो आ गया 20%। समझ आई बात मेरे भाई? फिर से समझाता हूं एक बार, ध्यान से देखो। कह रहा 120 का किसके संग है? 120 के संग, तो 120 कहां आएगा? नीचे, के पे से नीचे आता है 24। प्रतिशत ज्ञात करो, प्रतिशत निकालते समय 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 कटा, 12 × 24, और 2 से हो गया 20%। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी, सही है ना मेरे भाई? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 150 ग्राम 300 किलोग्राम
का कितने प्रतिशत है? अब 300 किलोग्राम का, तो का किसका 300। अब 300 किलोग्राम हम ऐसे लिख ले रहे हैं, ऊपर आ गया 150 ग्राम। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, लेकिन मेरे भाई ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम और प्रतिशत की अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, तो जब तक ये कटेगा नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलो तो हो जाएगा 3000 ग्राम और ये 150 ग्राम इंटू 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो उड़ा, इससे ये उड़ा और आ गया 5%। 5% इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब तक यूनिट समान नहीं होगी ये चीज, हम लोग जब लाइव क्लास में मेरे भाई भिन्न पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, सॉरी भिन्न नहीं रेशियो, तो मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि ये यूनिट अगर सेम नहीं है तो आप रेशियो कन्वर्जन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ये चीज समझेंगे रेशियो में। अभी बात याद कर लो खाली कि अगर यूनिट सेम नहीं है तो नहीं होगा। तो यूनिट को बदला, इसको ग्राम को किलोग्राम में बदल लिया मेरे भाई, तो 5% आ गया, 3×5=15। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 120 का 40% कितना होगा? तो 120 × 40%। अगर प्रतिशत दिया हो तो नीचे 100 आता है, प्रतिशत दिया हो तो नीचे 100 आता है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, 4×4 = 8, 4×1=4, 48 आंसर हमारा। कितना आंसर मेरा भाई? 48 आंसर। कितना आंसर? 48 आंसर। क्या बताया आपको मेरे भाई हमने कि अगर प्रतिशत दिया है, अगर प्रतिशत दिया है तो नीचे 100 आएगा, भाग करते हैं 100 से। बात आपके समझ आती है? देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है 2000 का मल्टीप्लाई 12% है तो नीचे 100, का मल्टीप्लाई 20 है तो नीचे 100। तो मेरे भाई जितनी बार परसेंटेज लिखा होगा उतनी बार नीचे 100 आएगा। ये दो जीरो से ये दो जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा, इससे ये कटा। अब आ गया 4×12, तो 4×8, 4×1=4, 48 आंसर। हमने क्या समझाया? प्रतिशत अगर दिया है तो उसे हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, प्रतिशत दिया है उसे हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या होगी, ठीक है? अब देखो आपको बताया था दुनिया में हर चीज होती है 100%, ठीक है? अब कह रहा है 16% 48 है और हमसे कह रहा है संख्या बताओ, संख्या। तो संख्या अपने आप में क्या होगी? 100%। संख्या अपने आप में क्या होगी? 100%, क्योंकि हर चीज 100%। 16% 48 तो 100% कितना होगा? तो 16 कहां जाएगा? नीचे, और 100 कहां जाएगा? ऊपर। मेरे भाई जो दिया होता है वो नीचे आता है, जो निकालना होता है वो ऊपर आता है। जो दिया होता है वो नीचे है, जो निकालना है वो ऊपर। ये बात याद रख लीजिए, जो दिया है वो नीचे है, जो निकालना है वो ऊपर। अब 16 से काटा तो 16×3=48, संख्या आ गई कितनी मेरे भाई? 300। तो इतना सिंपल है हमारा, कुछ नहीं करना यार भाई, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे, एक एक स्टेप को बताते हुए कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है। देखो दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है तो संख्या भी 100% होगी। अब 16% अगर 48 है संख्या का है तो 100% निकाल दो, 16% 48, 100% निकालने के लिए 16 नीचे और 100 ऊपर। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूं, 16% = 48, तो 1% = 48/16 और 100% = 48/16। अगर यहां 100 से गुणा करी तो यहां भी 100 से गुणा करेंगे, तराजू के दोनों हिस्से बराबर, आ गया 300। इज दैट क्लियर? ये बात आपके समझ आती है मेरे भाई?
हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छा क्वेश्चन। किसी संख्या का पूर्णांक 1600 अंक है। संख्या नहीं, यहां पे एग्जाम कर लो, परीक्षा का पूर्णांक 1600 अंक है। यदि एक विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसका प्रतिशत बताओ। तो एग्जाम का पूर्णांक 1600 है, तो का किसके संग है? सॉरी, 600 के संग 1600 नहीं भाई, 600। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों 1600 आ रहा है 600 यहाँ पे। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, के पे से का किसके संग है? 600 के संग। तो अब 600 आ गया नीचे, ऊपर आ गया 480। कितना मिला? 480। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, 6 से काट दिया तो कितनी बार कटा मेरे भाई? 6 से काट दिया तो कितनी बार कटा, आप खुद बताएं। 8 बार और एक जीरो, 80%। भाई कमेंट करा करो और भाई वीडियो को जरूर लाइक करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो लाइक नहीं करोगे, आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो मैं जो आपको इतना फ्री में कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, कि इतना बेसिक से कोई पढ़ाएगा? आप मेरे को खुद बताओ, क्या कोई पढ़ाएगा भाई? हर एक चीज, हर एक स्टेप, और उस लेवल तक ले जाता हूँ जहां पे एग्जाम में आएगा, प्राइमरी के एग्जाम में जिस लेवल पे आएगा भाई, उस लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी बात, अच्छा लेवल पढ़ना है तो हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा रखा है। आने वाले 5 से 6 साल में उससे ज्यादा अपडेट किसी पेपर में नहीं होगा, एसएससी मेंस में नहीं होगा। और बताइए आप, किसी पेपर में अपडेट नहीं होगा उससे ज्यादा, उतना ही आएगा। नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रखा है, परसेंटेज पढ़ा रखी है आपको, हमने पहले से प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, अच्छे लेवल का पढ़ा रखा है। अच्छे लेवल का पढ़ना आप उन वीडियोस को देखिए, ठीक है? यूपीटेट प्राइमरी लेवल का पढ़ना आप इनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे भाई। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। अब टोटल 500 और 450 पास कितने हुए? 450, तो फेल कितने हुए? ये तो निकाल ही लोगे मेरे भाई, नहीं पता है तो घटा लो। 50, 50 फेल हो गए। अब उसने कहा फेल का, किसका फेल का प्रतिशत निकालना है, तो 50 कहां? ऊपर। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कहां? नीचे। हमेशा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 0 से 0 काटा, 5 से इसे काट दिया, 10%। एक बात मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, नीचे लिखी होती है टोटल वैल्यू, ऊपर लिखा होता है मेरे भाई रिजल्ट मल्टीप्लाई विद 100, प्रतिशत में बदलने के लिए। ऊपर हमेशा रिजल्ट और नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आती है। फिर से समझा रहा हूं एक बार, आप समझिए इस बात को। कुल कितना है? टोटल 500, 400 विद्यार्थी पास हुए, पास कितने हुए? 450। तो यहां से फेल पता चल जाएगा, हाँ कि ना? चलेगा कि नहीं आप बताओ? तो बिल्कुल चलेगा भाई, फेल आ गया, घटा दो 50। ये 50 लोग फेल हुए, ये रिजल्ट आया कितने में से? 500 में से। टोटल वैल्यू नीचे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, आपको बताया था, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इससे इसे काटा, 10%। ये हमारा आंसर। समझ आ रही है आपको? क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। किसी कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हैं, सॉरी 2000, यदि लड़कों का प्रतिशत 60% है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब आपको बताया हर चीज 100% होती है, तो छात्र कितने हैं टोटल? 100%, समझते रहना मेरी बात, छात्र 100%। अब अगर लड़के 60% हैं तो लड़कियां कितनी होंगी?
आप कहोगे 40%, 100 में से मेरे भाई 60 घटाओगे तो 40 आएगा, अब बची हुई लड़कियां ही तो हैं। अब कुल है 2000, मतलब 100% 2000 है, तो 1% 2000 अपॉन 100, 0 से 0 उड़ा दिया, 40% की वैल्यू निकालनी है लड़कियों की। 40% 20 गुणा 40 आ गया कितना, 4 दुना 8, 4 दुना 8 और 2 0 आंसर। मेरी बात समझ आ रही है भाई? मेरी बात आपके समझ आ रही है? एक तरीका ये था, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम कहें लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2000 टोटल है उसका 60%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 काट दिया, 6 दुनी 12, 1200 लड़के आ गए, 1200। अब देखो टोटल 2000 लड़के, 1200 लड़कियां, घटा दो 800, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल तरीका आपको समझाया मेरे भाई, क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों जल्दी हम आपसे लाइव मिलेंगे, लाइव आपको पढ़ाएंगे, तो जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के संग अपनी नेक्स्ट क्लास में।